तो गाइस गाइस मेरा जो मतलब क्या बोलते हैं गाड़ी बोलते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा ऑफ हो रहा है, चालू नहीं हो रहा है। मैं जब भी करता हूँ देखो ये भाई, ये देखो गाइस, ये देखो लगा रहो पिकअप नहीं ले रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को सर्विस सेंटर में देना पड़ेगा। मैं सर्विस सेंटर से मतलब एक महीने हुआ है सर्विस करके लाया, फिर भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, देख सकते हो गाइस। ये देखो मार रहा हूँ, कुछ नहीं ले रहा है। चलो पीछे के साइड एक बार चेक कर लेते हो क्या कहाँ पर दिक्कत आ रहा है भाई, मतलब ऐसा दिक्कत कहाँ से आ रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा तो दिक्कत नहीं चलेगा ना, उसकी सबसे मेरे को लग रहा है कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। चेन भी चेन में नहीं, इंजन में कहीं पे मतलब लोड सेडिंग हो रहा है, उसमें पावर बराबर नहीं जा रहा है। बाकी तो मतलब क्या बोलो, लाइट वगैरह तो सब कुछ चल रहा है, सब कुछ चालू है, लेकिन ये वाला नहीं हो रहा है। मेरे को भी कुछ समझ में नहीं, कभी मतलब थोड़ा टाइम रख दो या ना उसके बाद स्टार्ट ले लेता है। देख सकते हो गाइस ये वाला ऐसा हो रहा है। चलो दोबारा से ट्राई कर लेते हैं भाई, देखते क्या होता है। आई होप हो जाएगा, हो गया गाइस, हो गया गाइस। देखो एक चांस में हो गया गाइस, तो इसका मतलब क्या होता है, मतलब कहीं पे मतलब जब हम कहीं पे स्टार्ट ऑफ कर रहे हैं उसके बाद नहीं ले रहा है, बाद में ले रहा है, थोड़ा टाइम बाद ही, मतलब 5-6 सेकंड के बाद ले रहा है। तो ये वाला कहाँ का दिक्कत है मेरे को नहीं समझ में नहीं आ रहा है। मेरा हाथ में थोड़ा झटका लग गया भाई। चलो 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 भाई, कोई नहीं, आराम से चलो, थोड़ा तेज चलाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा आराम से चलना चाहिए भाई। मेरा सेफ्टी में, खुद का सेफ्टी में खुद को चलाना चाहिए भाई। हाँ, इसका पंचर हो गया, देखो अभी ये वाला सीन हो जाएगा। पंचर हो गया ना तो ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकता है, तो जितना सेफ्टी में चलेगा उतना आपके लिए फ़ायदा है। मैं ये बताना चाहता हूँ, मतलब मेरा, अरे बाप रे, आगे ऐसा लग रहा है वो आगे पानी गिरा हुआ है, वो पानी गिरा हुआ है, लेकिन बाद में ऐसा नहीं लग रहा है जब पानी गिरा हुआ है, मतलब जब आगे जा रहा हूँ रोड देख सकते हो भाई, बहुत ज़्यादा जाम है। तो हमें चोटीला पहुँचना पहुँचने में ज़्यादा है 180 किलोमीटर लगता है, और ये राजकोट का ओरिजिनल वाला जो हाईवे है ये वाला क्रॉस कर ले भाई। पहले तो पीछे के देख ले भाई, ऐसे नहीं होता है ना, कहीं से भी आगे घुसा देता है। जब तक हमें खुला आम नहीं मिलता है तब तक हम नहीं जाएंगे भाई, थोड़ा हम क्लोज में ही जाएंगे, थोड़ा लो मतलब सिग्नल जो होगा ना, थोड़ा क्या बोलते हैं 70-80 का स्पीड में होगा है। देख सकते हो इतना जाम में आप कितना भगाओगे भाई, 100 तो उठा नहीं पाओगे। ये देखो ये वाला रूट अभी इधर से चेंज हो रहा है, मतलब ये वाला रूट का काम चल रहा है गाइस, देख सकते हो दूसरा रूट चालू हो गया। हाँ भाई, तो हम कहाँ पे थे, हाँ 2 मिनट भाई, भाई भाई ये वाला लोकल रूट जा रहा है, और ये वाला मतलब जो है, ओहो ये वाला रूट तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है भाई। अरे बाप रे बाप रे बाप रे, कितना सारा जाम है, इधर सिग्नल भी दे दिया, मतलब 4 मिनट का गैप है, 4 मिनट के बाद ये रोड थोड़ा खुला होगा। ये देखो गाइस सिग्नल है, हमारा लोकेशन में दिखा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा जाम है। ये देखो जो ब्लू मार्क है, वो वाला जो जो ब्लू मार्क होता है ना, ये वाला सीन होता है थोड़ा मतलब स्लो जाने का और स्पीड में जाने का, और जो मतलब येलो कलर का होता है ये वाला सीन होता है थोड़ा स्लो जाने का, क्योंकि ट्रैफिक का काम चल रहा है, तो ये हमारा जो गवर्नमेंट सरकार का ये वाला कलर होता है। बाकी इसमें दो ही कलर आ रहा है, दो कलर का मैं बता रहा हूँ दिक्कत क्या है, दो कलर में ये वाला सेफ्टी होता है, फैसिलिटी होता है। एक जो ब्लू है आप ज़्यादा भगा हुआ पाओगे, और दूसरा जो येलो कलर का होता है, येलो कलर का मतलब है थोड़ा गाड़ी स्लो चलाओ क्योंकि आगे के आगे काम हो रहा है। और इधर इधर भी काफ़ी सारा लैंडमार्क किया हुआ है, क्योंकि गाड़ी आपको स्लो चलाने के बाद कर रहे, तो हमें आगे जाके कुछ मिल सकता है रूट। ये वाला जो रूट का काम चल रहा है, देखो ये वाला भी रूट मतलब अभी भी बहुत ज़्यादा बाकी है। ऐसा हमने गलत कर लिया, गोंदल चुकड़ी गोंदल रोड में चलता ना थोड़ा मज़ा आता, क्योंकि वो वाला रूट तो मतलब बड़ा रोड काफ़ी बहुत अच्छा है, तो हम भगाने के सोचेंगे और अच्छा मतलब भगा भी पाऊँगा, पर अभी कोई नहीं क्या कर सकता है, इसमें आ गया तो इधर ही जाना पड़ेगा। इधर मतलब जो सिग्नल जब तक हम क्रॉस नहीं कर लेते ना तब तक ये वाला रूट रहेगा। ये देखो गाइस
अभी भी येलो कलर का सिग्नल है, मतलब हमें स्लो जाना पड़ेगा और रोड भी काफ़ी, अरे बाप रे, एक दो तीन चार, चार चार करके है भाई। ओहो हम क्या कहते हैं, इधर से क्रॉस करके, अरे बाप रे, इसके आगे तो नहीं जा सकते भाई, सोचेंगे चलो गिरा दो नीचे से जाएंगे भाई, इसके आगे नहीं है ना तो हमें गिरा देगा भाई, उठा जाओ। वो भाई देखो उधर से चला गया भाई, हम ऐसा नहीं करेंगे, रूट की हिसाब से जाएंगे। अरे वो वाला रूट सही हो, अच्छा 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 ये वाला जो रूट है ना हमारा जो है फोर लाइन हो रहा है, तो वो वाला क्या कर लिया, वो वाला मतलब साइड का रोड से ही चला गया। तो ऐसा हम जब भी मतलब गाड़ी चलाए तो गाड़ी का ध्यान रखें, गाड़ी गिर ना गिरे, तो मतलब आपको बहुत कंट्रोल में चलाना पड़ता है, आपका जो हैंडल है ना बहुत मतलब कड़क से पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि हाईवे पर गिरा होगा ना तो आपको बचाने कोई नहीं आएगा, तो आप जितना सेफ्टी में चला सकते हो उतना आपके लिए बेहतर है। और एक बात बताओ आपको, मतलब हाईवे पर आप स्टंट कभी भी मत करना, क्योंकि हाईवे पर स्टंट करोगे ना तो आपको एक ही दिक्कत आएगा, पुलिस वाला पकड़ लिया ना तो 50,000 रुपया कटेगा और ऊपर से आपका एक साल या 6 महीने का जेल, मेरे को जितना सुना है, मैंने चेक कर किया तो चेक करने के बाद मेरे को, अरे मैंने जब चेक किया, चेक करने के बाद मेरे को ऐसा लगा 6 महीने या 1 साल का है जेल और ऊपर से 50,000 का जरिमाना। तो उसके हिसाब से आप जितना कंट्रोल में चलाओगे आप उतना बेहतर होगी मेरे हिसाब से। वो मैं आपको, अरे ये वाला कौन सा रूट जा रहा है, नीचे वाला, तो गाइस देख लेते, मेरे को यार गाइस दूर से एक ही नज़र आ रहा है, थोड़ा मतलब पानी के पानी नज़र आ रहा है, आगे जाके ऐसा लग रहा है पानी है। ओवरटेक कर लेता हूँ, आगे बैन नहीं हुआ तो, अगर रोड सीधा है तो कर लूँगा, नहीं नहीं भाई रोड क्रॉस है तो चलो कर लिया, इसको भी आगे क्रॉस है मेरे को स्लो करना पड़ेगा, क्रॉस में घुमाने के लिए मेरे को बहुत दिक्कत होता है, मैं जब भी क्रॉस में घुमाना चाहता हूँ ना तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, मतलब घूम जाता है फिर भी कोई रिस्क नहीं ले सकता, क्या है कि मेरे पीछे कोई नहीं है, मैं अकेला आया हूँ। Oh. 15 किमी के अंदर हम पहुंच जाएंगे चोरी लगा, इस सच बता रहा हूँ। तो 15 किमी तो हमारे लिए ज़्यादा नहीं है, मेरे को थोड़ा खुला मिलेगा तो मैं थोड़ा भगा लूँगा आराम से, ऐसा आगे भी रोड जाम है, मतलब वो रोड तो क्लियर हो ही नहीं रहा है, मेरे को लगता है जब भी संडे होता है ना संडे को राइड करने का मज़ा ही कुछ अलग होता है, पर ऐसे संडे को राइड करने का मज़ा बिल्कुल ही है, ये देखो हर तरफ से काम चल रहा है, काम से काम चल रहेगा इस तरह, इधर एम्बुलेंस है क्या, पुलिस वाला है